कैसे हो दोस्तों। कल हमने कराई थी पॉलीमर कि कैसे प्राप्त होती है और कैसे उसका संश्लेषण होता है। 6 मेथड कराए थे इसके। आज हम कराएंगे एडिशनल पॉलीमर्स के एग्जांपल। छह नंबर के आएंगे डिप्लोमा में और ये नीट में भी आते हैं, पीजीटी और टीजीटी, एलटी ग्रेड में भी आती है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो एडिशनल पॉलीमर्स का जो पहला एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन बनता कैसे है? ये बनता है एथिलीन के द्वारा। तो इसमें एन अणु लेंगे इसके हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये बनेगा पॉलीथीन और ये क्या है? एथीन। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, आधा इधर आधा इधर, तो इस टाइप से हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और N, ये क्या हुआ? पॉलीथीन। और ये होता है पॉलीमराइजेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। इसमें पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसे हम कहते हैं LDPE। ये होता है O2 की प्रेजेंट में हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी 350 से 600 केल्विन व 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से प्राप्त होता है। इसका हम यूज करते हैं पाइप बनाने में, पाइप बनाने में। दूसरा है खिलौने बनाने में। तो यह है लो डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो उसे लिखेंगे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन को। तो ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंट में हाई टेम्परेचर 330 से 350 केल्विन व 5 से 7 वायुमंडलीय दाब पर पॉलीमराइजेशन से HDPE प्राप्त होता है। HDPE प्राप्त होता है। HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका हम यूज करते हैं होज पाइप में, होज पाइप में। दूसरा बाल्टी में यानी बाल्टी बनाई जाती है इससे, और तीसरा
खिलौने बनाने में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो नंबर का 2023 में आ सकता है, उम्मीद है इसके आने की। फिर दूसरा है पीवीसी, कीमत क्यों हुई। फिर आता है पीवीसी, पीवीसी या कोरोसील। पीवीसी होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम होता है कोरोसील। पीवीसी का हम यूज कहाँ करते हैं? पीवीसी का हम यूज करते हैं विद्युत उपकरण में, जो घरों में वायरिंग होती है उस पर जो कोटिंग होती है, जो प्लास्टिक बोलते हैं जिसे हम रबड़, वो होती है पीवीसी। तो ये बनती किससे है? ये बनती है विनाइल क्लोराइड से। तो एन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल, और इसका हो जाएगा प्रेशर देने पर परोक्साइड की प्रेजेंट में, परोक्साइड ग्रुप लगा होगा इसमें, बेंजल परोक्साइड। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा इस टाइप से, तो सी एच टू और सी एच टू और ऊपर सी एल एन, तो क्या बन जाएगा? पी वी सी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। इसका यूज किस में करते हैं हम? पहला विद्युत उपकरण में, दूसरा जूते के सोल बनाने में, तीसरा पाइप बनाने में, चौथा खिलौने बनाने में आदि। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवीसी 2023 में इसके आने की उम्मीद है। फिर है पॉलीस्टायरीन, तीसरा है पॉली स्टायरीन या स्टायरोन। तो ये बनता है स्टायरीन के द्वारा, तो बेंजीन बनाएंगे तो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसका पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन बेंजोइल परोक्साइड के प्रेजेंट में। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बन जाएगा इस टाइप से, यानी सी एच और सी एच टू, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये एन, तो ये क्या बन जाएगा? पॉली स्टायरीन, पॉली स्टायरीन। और ये क्या है? स्टायरीन। इसका हम यूज किस में करते हैं? इसका हम यूज करते हैं टेलीविजन की बॉडी बनाने में, दूसरा फ्रिज बनाने में, तीसरा है बोतल के ढक्कन बनाने में, ढक्कन बनाने में, और चौथा है रेडियो बनाने में, पांचवा कंघे बनाने में। यही बहुत इम्पोर्टेंट है, 2023 में इसकी भी आने की उम्मीद है।
और ये होता कैसा गुण में, ये होता है, इसका जो गुण है ये होता पारदर्शी, जो स्टायरोन होता है पॉलीस्टायरोन ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी इसका प्रॉपर्टीज है। फिर आता टेफलोन, चौथा है टेफलोन, या पॉलीटेट्राफ्लोरो पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। तो ये बनता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन के द्वारा, यानी CF2, और CF2 इसका भी क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। और हाई प्रेशर पर होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो ये यहाँ से भी क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसका, आधा बॉन्ड इधर आधा इधर, तो इस टाइप से हो जाएगा ये CF2 और CF2 और N मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेफ्लोन या पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी 2023 में इसकी आने की उम्मीद है डिप्लोमा में, बाकी नीट में चलते ही हैं। फिर इसके यूज़ हैं, सील बनाने में, दूसरा गैस किट्स बनाने में, तीसरा वॉल्व बनाने में, और इसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, ये अकिर्य बहुलक है, ये अकिर्य बहुलक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 100% आने के चांस है। उसके बाद है PMMA, पांचवा है PMMA, इसका मतलब होता है पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट, तो लिखेंगे पॉली मिथाइल मैथ एक्राइलेट, 2023 में 100% इसके आने की उम्मीद है। तो इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड C और COO CH3, और यहाँ भी CH3 ग्रुप, इसके एन मॉलिक्यूल लेंगे हम, और ये है मिथाइल मैथ एक्राइलेट, इसका पॉलीमराइजेशन होगा परोक्साइड के प्रेजेंट में, तो यहाँ से भी क्या होगा, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा CH2 C, और ये नीचे आ जाएगा COO CH3 और CH3, तो ये क्या हो गया PMMA, पॉलीमिथाइल मैथ एक्राइलेट। इसका हम यूज किस में करते हैं, आर्टिफिशियल दांत बनाने में,
आर्टिफिशियल टीथ में बनाने में, दूसरा वायुयान की खिड़की बनाने में, तो एरोप्लेन की विंडो बनाने में। ये 2023 में ये मान लो कि ये तो आएगा ही। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी चीज़ें मिलती